गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम शुभम फ्रॉम क्लास 8 और आज हम मैथ का 8 क्लास का चैप्टर करने जा रहे हैं जो कि है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये चैप्टर सभी को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन आज मैं आपको ऐसे अंडरस्टूड करवाऊंगा कि आपको इसमें कुछ डिफ़िकल्ट लगेगा नहीं, आपको चुटकियों में इजी समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं, तो इस चैप्टर के मेन कंपोनेंट हैं कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल। कॉन्स्टेंट क्या होता है? अ सिंबल विच हैज़ फिक्स वैल्यू। वह सिंबल जिसकी फिक्स वैल्यू होती है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंट। जैसे हमने बोला 9 बेंच इन द क्लास, की क्लास में 9 बेंच है, तो उसकी फिक्स वैल्यू है कि क्लास में 9 बेंच ही है। हमने बोला 9 बॉयज़ इन अ स्पोर्ट्स गेम, स्पोर्ट टीम। हमने बोला कि इस टीम में सिर्फ 9 बॉयज़ होंगे। और वेरिएबल क्या होता है? जिस सिंबल की कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती, जिसको हम बढ़ा सकते हैं, बढ़ा चढ़ा कर बोल सकते हैं। जैसे वेरिएबल्स में हमारे कहाँ क्या क्या आएंगे? ए से लेकर जेड तक जितने भी अल्फाबेट है वो हमारे वेरिएबल होते हैं। और अब इनके रूल्स है कि रिमेंबर में आप इनके रूल्स देखें कि वेरिएबल कैसे बनेंगे, हमारे कॉन्स्टेंट कैसे बनेंगे। जब हमारे कॉन्स्टेंट यानी काउंटिंग्स होती है, उसके साथ वेरिएबल्स आ जाते हैं ए टू जेड, वो हमेशा वेरिएबल ही माना जाएगा। किसी कॉन्स्टेंट के साथ वेरिएबल ऐड हुआ तो वह वेरिएबल ही माना जाएगा। तो आप इसके एग्जांपल देख लीजिएगा। और अब किसी एक वेरिएबल हो या उससे भी ज़्यादा, वो भी वेरिएबल ही होंगे। ये नीचे सभी दोनों के मिलाकर एग्जांपल है। तो चलते हैं हम टर्म की तरफ। अ नंबर अ वेरिएबल और एन कॉम्बिनेशन, नंबर यानी कॉन्स्टेंट या वेरिएबल और इन दोनों का कॉम्बिनेशन, वो हमारे क्या कहलाते हैं? टर्म्स। और जो हमारी जो टर्म्स है वो किससे सेपरेट होती है? प्लस एंड माइनस से हमारी टर्म सेपरेट होती है, और डिवाइड एंड मल्टीप्लाई से हमारी टर्म्स सेपरेट नहीं होती। तब देखिए, रिमेंबर ये आपकी सभी टर्म्स है। और आप इनको कैसे लिखेंगे? जैसे आपके साथ, जैसे इसमें लिखा गया है 5y, अगर किसी कॉन्स्टेंट के साथ वेरिएबल दिया गया वो तो वेरिएबल हो गई, लेकिन हम इसको कैसे बोलेंगे? इसके साथ प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई डिवाइड है। तो इसके साथ अगर किसी कॉन्स्टेंट के साथ वेरिएबल होता है तो वो मल्टीप्लाई में जाता है उसका नंबर। तो ये इसके एग्जांपल है। अब देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अ सिंगल टर्म और ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टर्म कनेक्टेड बाय प्लस एंड माइनस साइन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वह सिंगल टर्म जो टू और उससे ज़्यादा टर्म से कनेक्ट होती है, उसे क्या हम बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये देख लीजिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जांपल्स हैं। तो अब देखिए नोट्स में क्या है, नोट्स में है वेरियस पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच आर सेपरेटेड बाय द साइन ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे प्लस एंड माइनस के साइन से क्या होते हैं? अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। जैसे अब हमने क्वेश्चन के बेस पर लिया 8x, आज इसकी क्या है? मल्टीप्लाई में है, प्लस 9y डिवाइड 8। तो अब हमने पूछा कि इसमें कितने टर्म्स है, तो इसमें 2 टर्म्स है, क्योंकि हमारी प्लस एंड माइनस से टर्म सेपरेट होगी, ना कि मल्टीप्लाई से। एक टर्म हो गई, प्लस आ गया, तो ये इससे पहले वाली एक टर्म और प्लस के बाद वाली 2 टर्म। और जैसे हमने 8 के बाद लिख दिया -5, तो अब कितने टर्म हो गए? यहाँ से एक टर्म होगा और ये एक टर्म और हो गई, ये 3 टर्म्स हो गई। तो ऐसे इसमें भी एग्जाम्पल दिए गए हैं कि कितने टर्म्स है, ये भी आप देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट पेज। जो साइंस हमारे मल्टीप्लिकेशन की, जैसे डिवीजन एंड सब डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, वो टर्म्स को क्या नहीं करते? सेपरेट, हमने पढ़ा है। तो अब टर्म्स के कितने पार्ट है? मोनोमियल, बायोनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलीनोमियल, 4 टाइप्स के हमारे टर्म्स हैं। तो अब पढ़ते हैं मोनोमियल क्या होता है। जिस टर्म में सिर्फ एक टर्म आती है उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल एक्सप्रेशन, मोनोमियल। तो अब एक टर्म कैसे आई? तो आप देख सकते हो कि ये 3 है, 1 टर्म है सिर्फ, 6/11 ये डिवाइड में है, तो ये एक टर्म है। और बायनोमियल में हमारी 2 टर्म्स आती है, 2 डिफरेंट टर्म्स। जैसे अब आप देख सकते हो 8+x 8 एक टर्म हो गई, एक्स एक टर्म हो गई, 8y-4 8 से मल्टीप्लाई वाई, मल्टीप्लाई से हमारे टर्म सेपरेट नहीं होती। तो अब ऐसे आप देख लीजिए एग्जांपल।
अब देखें ट्राइनोमियल्स में सिर्फ थ्री टर्म्स आती है ओनली। अब इसका एग्जांपल देखिए, थ्री एक्स प्लस वाई, सेवन एक्स प्लस इलेवन माइनस वाई टू वन सेकेंड एंड थर्ड टर्म। पॉलिनोमियल में सभी टर्म्स आते हैं, जो टू टर्म्स भी कंटेन करते हैं, थ्री भी करते हैं और उससे मोर भी करती है, वो पॉलिनोमियल में आती है। हम बायनोमियल को पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, ट्राइनोमियल को भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया है, तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, तो हमारी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो क्वेश्चंस हैं, सेपरेट द कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल। आपको इसमें से कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल अलग करना है। आपको पता है कि वेरिएबल क्या होता है, जिसमें कॉन्स्टेंट भी ऐड हो सकता है, वो भी वेरिएबल होता है। आपको पता है वेरिएबल क्या होता है, जिसमें ए टू जेड के अक्षर यानी ए टू जेड तक अल्फ़ाबेट मिलेंगे, वो आपका वेरिएबल में काउंट होगा। तो अब देखिए, माइनस सेवन क्या है, कॉन्स्टेंट, वेरिएबल कॉन्स्टेंट, दिस इज़ वेरिएबल, this is also variable and this is also variable, constant, variable and variable। तो next question देखिए, आपको इसमें terms करने, आपको पता है कि plus and minus से हमारी terms separate होती है, multiply से नहीं होती। तो आपको इसमें कितनी terms है, plus से पहले वाली and plus के बाद वाली two terms। अब इसमें कितने टर्म्स हैं, माइनस से पहले वाली सेवन के बाद वाली टू टर्म्स, और इसमें कितने ए एक्स माइनस, अब ये पूरी हो गई। आपको देखना है कि इसमें भी प्लस साइन है, तो आप यहाँ से इसको कट कर लीजिए। कितनी टर्म्स हो गए आपकी, यहाँ पर थ्री टर्म्स हो गई, और यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, यहाँ पर भी टू टर्म्स है। तो आपको मैंने जितना भी करवाया सभी आ गया इसमें। तो अब देखिए, सेपरेट मोनोमियल, बायोनोमियल, ट्राइनोमियल, आपको इसमें से सेपरेट करना है। अब ये देखिए, एट माइन वन टर्म एंड टू टर्म, ये मोनोमियल बायोनोमियल भी है और पॉलिनोमियल भी। अब ये सेकंड देखिए, ये क्या है, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल, ये क्या है, बायोनोमियल एंड पॉलिनोमियल। आपको पॉलिनोमियल तो जो बायोनोमियल ट्राइनोमियल के है ना, उसमें आपको पॉलिनोमियल कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको तो पता ही होगा। अब ये देखिए, फिफ्टीन एक्स क्यूब माइनस सेवन, ये क्या है, बायोनोमियल यानी पॉलिनोमियल भी है, और हाँ पॉलिनोमियल भी। अब ये देखिए, ये डिवाइड में आई है मोनोमियल, ये क्या है, वन टर्म एंड वन टर्म, और ये हो गई सेकंड टर्म, और ये हो गई थर्ड टर्म, और ये हो गई फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ, ये सिक्स। तो आपकी यहाँ से फ्रेंड्स, यहाँ पे कोमा है, थ्री एक्स डिवाइड बाई फाइव वाई, यहाँ तक आपकी हैं। तो अब देखिए, इसमें कितने टर्म्स हैं, यहाँ से आपका ही यहाँ से है। तो अब टू आई डिवाइड बाई सेवन प्लस वन टर्म एंड देन सेकंड टर्म एंड देन थर्ड टर्म, इसमें थ्री टर्म है, और इसमें कितनी टर्म है, इसमें वन टू थ्री एंड फोर, इसमें फोर टर्म्स है, तो ये ओनली पॉलिनोमियल। अब देखिए, इसमें पॉलिनोमियल की डिग्री ऐड करना है। डिग्री क्या होती है, वेरिएबल के ऊपर की पावर। अब आपको जैसे दिया गया वाई ए प्लस नाइन बी, तो आपको ये दिया गया है, तो अब ये दोनों है ना, एक ही टर्म है और ये एक टर्म है, तो एक टर्म के हम दो जितने भी वेरिएबल हैं उनकी हम पावर को ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे ही देखिए, जेड की क्या पावर है, वन, सेवन तो कोफिशियंट है यानी कॉन्स्टेंट, इसकी वेरिएबल की पावर नहीं हो सकती। तो सेवन तो कॉन्स्टेंट, उसकी पावर क्या होगी, नथिंग। तो अब देखिए, इसकी वन है, इसकी भी वन है और इसकी भी वन है, तो हम इसको प्लस करेंगे, क्या आएगी, टू। तो हाईएस्ट पावर क्या है, टू। ऐसे सेकंड देखिए, सेकंड में क्या है, ये थ्री, आपको टू वेरिएबल्स दिए गए हैं, एक स्टम में एक स्टम में, इसकी पावर टू है और इसकी थ्री है, तो हाईएस्ट किसके है, थ्री वाले की। तो अब ये देखिए, नेक्स्ट देखिए, वाई माइनस, वाई की पावर क्या है, वन, वाई टू एंड वाई एट, तो सबसे ज़्यादा किसके है, वाई एट। और अब आपको, अब नेक्स्ट देखिए, एक्स वाई, वाई जेड स्क्वेयर
एंड वाई जेड क्यूब। तो इसकी क्या है, वन, इसकी थ्री है ऑब्वियसली, और इसकी वन आ जाएगी, जेड की टू है, और इसकी भी वन, इसकी भी वन। अब हाईएस्ट किसकी आई, इसकी आई, इसमें फोर आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट देखिए, अब आपको इनकी पावर ऐड करनी है, ये भी आप कर लीजिए, ये भी बहुत ही ईजी है। अब ये है टफ आपको जो अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। अब देखिए, ये एक टर्म है तो इसमें कितने वेरिएबल है, थ्री, तो पावर कितना आ जाएगी, थ्री, तो इसकी पावर क्या है, थ्री, और इसके अपोजिट में क्या है, माइनस थ्री, तो थ्री से माइनस थ्री क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये आपके इस कंसेप्ट में नहीं था फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि अला द कोफिशियंट ऑफ, कोफिशियंट क्या होते हैं, हमने जिसका कोफिशियंट निकालना है और जिसमें से निकालना है उसको छोड़कर आप बाकी सारा लिख दीजिए। तो हमने ए बी का कोफिशियंट निकालना है, सेवन ए बी एक्स में से, तो आप ए बी को कट कर दीजिए और क्या आएगा आंसर, सेवन एक्स। अब देखिए, सेवन ए का कोफिशियंट निकालना है सेवन ए बी एक्स में से, तो सेवन ए को कट कर दीजिए और आंसर कोफिशियंट क्या आएगा, बी एक्स। फाइव एक्स स्क्वेयर का निकालना है तो फाइव एक्स स्क्वेयर को कट कर दीजिए। एट का निकालना है किस में से, तो एट को कट कर दीजिए। अब देखिए, हाँ, एट को कट कर दीजिए। फोर एक्स वाई का निकालना है, फोर एक्स वाई आप इसे कट कर दीजिए, लेकिन देखिए आप, फोर के पहले माइनस साइन था, अब आपने इसको कट कर दिया तो सीधा प्लस साइन आ जाएगा। तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस को चुप नेगेटिव साइंस की हम अगर डिवाइड मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या होता है हमारा, नेगेटिव साइन, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में भी यही है, आपको इसमें कोफिशियंट निकालना है कि इसमें से आपको इनका कोफिशियंट निकालना है, फाइव का निकालना है, तो आपको फाइव को कट करना है, लेकिन ये फ्रैक्शन में आएगा तो यहाँ पर वन आ जाएगा, वन बाय सेवन, और आपको निकालना है नेक्स्ट फाइव बाय सेवन का निकालना, फाइव बाय सेवन को कट कर दीजिए और जो बच गया वो कोफिशियंट आ गया। फाइव एक्स का निकालना है तो इसको कट कर दीजिए, लेकिन फ्रैक्शन में सेवन आएगा तो आप इसकी फाइव की जगह पर वन लिख दीजिए। अब निकालना है आपको एक्स वाई स्क्वेयर, तो एक्स वाई स्क्वेयर को कट कर दीजिए। जेड क्यूब का निकालना है, जेड क्यूब को कट कर दीजिए, बाकी राइट कर दीजिए। एक्स वाई क्यूब का निकालना है, एक्स एक्स वाई क्यूब का निकालना है आपको, एक्स वाई क्यूब, तो एक्स एक्स को कट किया, वाई को कट किया, लेकिन उसकी पावर नहीं, सॉरी एक्स एक्स जेड क्यूब का निकालना आपको, एक्स जेड क्यूब, तो एक्स को कट किया और जेड क्यूब को कट कर दिया, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको निकालना फाइव एक्स वाई क्यूब, फाइव को कट किया, एक्स वाई क्यूब को कट किया, लेकिन फ्रैक्शन में आएगा, यहाँ पर वन आ जाएगा। अब नेक्स्ट निकालना है वन बाय सेवन वाई जेड, तो ऑब्वियसली इसकी जगह पर क्या आ गया, वन आ गया, वन बाय सेवन वाई जेड। अब हमें इसका निकालना है तो हमें इसको कट करना है, वन तो यहाँ पर नहीं है तो वन की जगह पर हम क्या कर देंगे, फाइव, तो हम इसको कट कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा फाइव। सेवन फ्रैक्शन में हम किसको लिखेंगे, जो सेवन ही कट हो गया, नीचे का पार्ट डिनोमिनेटर कट हो गया। अब आपको और क्या कट करना है, वाई जेड, वाई को कट करना है एंड जेड को, लेकिन उनकी पावर को नहीं कट करना। पावर क्या है, टू एंड थ्री, तो एक्स की पावर क्या है, वन, और प्लस में टू प्लस में थ्री, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। अब आपको जड़ कट करना है, जड़ कट कर दिया, वाई में थ्री ऐड हो जाएगा, टू में प्लस थ्री फाइव आ जाएगा इसका आंसर। अब वाई जड क्यूब, वाई जड स्क्वेयर का निकालना आपको, वाई वाई का कट किया, जड़ को कट किया, और इसकी वन पावर कट करनी है तो यहाँ पर वन आ जाएगा। तो अब आप देखिए, y की भी टू पावर है जो कि x में ऐड हो जाएगी, y की टू, और इसकी z की वन पावर ऐड हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए, फाइव एक्स वाई जेड का निकालना आपको, फाइव को कट कर दीजिए, x y z को कट कर दिया, तो अब क्या आ जाएगा, वन बाय सेवन एंड टू, टू प्लस थ्री फाइव, ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेवन्थ। तो इनमें आपको टर्म्स को सेपरेट करना है, बहुत ईजी, मतलब पॉलीनोमियल में टर्म्स को सेपरेट करना है कि बायनोमियल है, मोनोमियल है, ट्राइनोमियल। ओके फ्रेंड्स, आपका कंप्लीट हो गया है बेसिक कंसेप्ट। अगर आगे भी आपको ये चैप्टर फुल क्लियरली समझना है, आगे भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, वो मेनली आपको डिफ़िकल्ट लगता होगा क्योंकि वो डिफ़िकल्ट होते ही है इतना, कि वो इक्वेशंस को कैसे इज इक्वल टू के बाद लेके आए, लाइक टर्म्स को कैसे वो करे, तो आप नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।